Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज का जो वीडियो है वो है सैलून स्टाइल में घर पे हम हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। So guys, हमारे घर पे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं उससे हम अपना हेयर स्पा कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास सैलून जाने का टाइम नहीं होता, तो आप इस तरह से अपने हेयर स्पा घर पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने हंसते खेलते अपने हेयर स्पा कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। सो गाइस, बिना कुछ देर के लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। तो गाइस, आप मेरे बाल देख सकते हैं, जैसे कि मेरे बालों में जान ही नहीं है, बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत परेशान हूँ। बट इस हेयर स्पा के बाद मेरे बालों में आपको डेफिनेटली डिफरेंसेस नजर आएंगे। गाइस, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको कोई सा भी कोकोनट ऑयल लेना है 3-4 चम्मच, और उसे हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसे गर्म होने के बाद आप अपने बालों पे सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना अपने बाल। उसके बाद फिंगर टिप्स के हेल्प से आप अपने बालों पे मसाज करना, मिनिमम मैक्सिमम 15-10 मिनट्स। अच्छे से मसाज करना, और इस बात का आप ध्यान रखना कि आप ऑयल आपके पूरे स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई हो जाए और तेल ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर कोई एक गाना गा रही हूँ, आप प्लीज़ गैस करें और कौन सा गाना गा रही हूँ आप मुझे कमेंट पे दीजिए। आगे की तरफ अच्छे से ऑयल अप्लाई होने के बाद, ज़्यादातर गर्ल्स होते हैं जो इस साइड को भूल जाते हैं, सो प्लीज़ आप इस साइड को ना भूलें। आगे जितना ऑयल की ज़रूरत होती है, पीछे भी ऑयल की ज़रूरत है, तो इस साइड से पीछे के साइड से ऑयल अच्छे से अप्लाई करें। से लेके टिप्स तक आपको इस तरह से अपने ऑयल आपको ऑयल अप्लाई करना है, और आप इस बात का पूरा ध्यान रखें इस तरह अपने बालों को रब ना करें, इस तरह से आप ऑयल अप्लाई करें। सो गाइज, अब आता है स्टीम थेरेपी विद टावेल। आपको एक टावेल लेना है और आपको टावेल को गर्म पानी में गीला करना है। मैंने यहाँ पर गर्म पानी यूज़ नहीं किया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि टैंकी से सीधा गर्म पानी आता है। टावेल को आपको अपने बालों पे अच्छे से कवर करना है, अच्छे से सिक्योर कर लेना है, और 15 मिनट्स तक आपको वेट करना है। तब तक आपका जो भी काम है आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहले से जो भी गाना गुनगुना रही हूँ उस गाने पे मैं डांस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डांस करने का मन कर रहा है जब से मैं ये गाना गुनगुना रही हूँ। उसके बाद आप टावेल को निकाल लें एंड 5-6 मिनट तक आप मसाज करें, ताकि आपने जो ऑयल अप्लाई किया था वो ऑयल अपने बालों पे अच्छे से वॉक कर पाए। ये स्टीम थेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये स्टीम थेरेपी आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड स्कैल्प पे ब्लड फ्लोइंग को इंक्रीज करता है। सो गाइज, अब बारी आती है हेयर वॉश का। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शैम्पू सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला स्मूथ एंड शाइन विथ विटामिन एच, प्रो विटामिन B5 एंड सिल्क प्रोटीन। एंड देन कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ एडवांस फार्मूला रेडियंस शाइन कंडीशनर फॉर ड्राई एंड रफ हेयर। तो आपको अपने पाम पे इस तरह से कुछ ड्रॉप शैम्पू की लेना है, और आपको जेंटली अपने स्कैल्प पे मसाज करना है, ताकि आपके बालों पे स्कैल्प पे जितने भी ऑयल है ना वो अच्छे से वॉश हो जाए, और आपको अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से अंदर तक मसाज करना है। अच्छा, तो ये बताओ ऐसा करना किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे पता है गर्ल्स को भी बहुत पसंद है। सो गाइज, इस तरह से हमें मसाज करना है अच्छे से। मसाज करने के बाद आपको वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर अप्लाई करना है। कुछ ड्रॉप्स आप कंडीशनर लेंगे और अपने बालों पे नीचे के साइड आप बालों पे लगाएंगे, आपके स्कैल्प पे कंडीशनर नहीं लगाना। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने फ्रिज फ्री हो गए। फिर 4-5 मिनट के बाद आपको वॉश करना है,
उसके बाद आपको अपने हेयर को पैट ड्राई करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। सो गाइस अब आता है हेयर मास्क की बारी। मैंने अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग दही ले लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच हनी मिक्स कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्सचर कर लेंगे। दही में विटामिन डी है, दही में विटामिन डी होता है जो हमारे बालों को सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। और हाँ गाइस, दही डैंड्रफ रिमूव करने में भी बहुत इफेक्टिव होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था। हनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, हमारे बालों को ब्रैकेट से बचाए और फ्रिज भी करता है। हनी और दही मिलके हमारे बालों को स्मूथ, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। आपको अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है और रूट से लेके टिप तक आपको अच्छे से अप्लाई करना है। फिर आप अपने फिंगर टिप से स्लोली मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद आप अपने बालों को हेयर क्लिप से सिक्योर कर ले। फिर उसके बाद आपके पास अगर शावर कैप नहीं है तो आप वेजिटेबल पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेजिटेबल पॉलिथीन का यूज किया है। उसके बाद आपको 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट होने के बाद आप अपने वेजिटेबल पॉलिथीन को निकालिए, फिर शैम्पू एंड कंडीशनर कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए आपके बाल क्या शाइन करता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचाए। एंड साथ ही लाइक शेयर जरूर